Welcome, my dear student, in this new video. As we are studying the unit number 3 of 8051, or as we already discussed in the last video, that the unit number 3 of that embedded system is completely depend on our completely study of the 8051 microcontroller. तो यहाँ पे अभी हमको इस वीडियो से 8051 को डिटेल में स्टडी करना है. तो चलिए देखते हैं कि 8051 जो 8 बिट का माइक्रोकंट्रोलर है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि मुझे अगर 8051 दुकान में से खरीदना है या कुछ उसमें काम करना है, तो विच आर द फैक्टर विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू स्टडी. सो दैट वी विल डिस्कस हियर. देर आर सम फैक्टर्स विच आर टू बी कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग द माइक्रोकंट्रोलर. देर आर सम फैक्टर विच आर टू बी कलेक्टेड फॉर सिलेक्ट फॉर कंसिडरिंग वाइल सिलेक्टिंग द 8051 microcontroller, and that factors are the first factor that we discuss is here the feature set. That feature set is a very very important, and that feature set include means feature set means does the microcontroller support all the peripheral required by the application. इसका मतलब वो पूरे के पूरे application को support करता है या नहीं करता है. Does it satisfy the input output port requirement by the application. अप्लीकेशन के हिसाब से वो आईओ पोर्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं करता है. डज इट सपोर्ट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइमर्स एंड काउंटर. दिए हुए नंबर टाइमर और काउंटर को ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है. डज इट सपोर्ट एडीसी एंड डीसी. एडीसी इट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ये करता है या नहीं करता है, ये सारी चीज़ें हमको स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ फीचर सेट. अगेन वी कैन डिस्कस दैट फीचर सेट में हमको क्या करना है कि माइक्रो कंट्रोलर जो है अपना ये पूरे के पूरे एप्लीकेशन को सपोर्ट करता ही नहीं करता है, और उसमें जो आईओ पोर्ट्स है उसके सबके रिक्वायरमेंट है या नहीं है. और दूसरी चीज़ ऐसी कि वहाँ की सफिशेंट नंबर ऑफ टाइमर्स एंड सेंसर आर द काउंटर अवेलेबल है या नहीं. उसके बाद वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इसका मतलब डेटा कन्वर्टर को भी सपोर्ट करता ही नहीं करता है. ये सारी चीज़ें हमको ये 8051 स्टडी करनी है. ओके, उसके बाद है सेकंड द इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो है स्पीड ऑफ ऑपरेशन. स्पीड ऑफ ऑपरेशन मीन्स दैट द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड पर इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन. अभी मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होगा, तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ साइकिल कितनी लगती है. अगर मुझे नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा लगती है, इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा लग रहा है. टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ऑपरेशन की स्पीड क्या है, कम. अगर मुझे नंबर ऑफ साइकिल क्लॉक या साइकिल्स कम लग रहे, इसका मतलब मुझे टाइम कम लग रहा, इसका मतलब मेरे स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा है. उसके बाद जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सपोर्टेड, और देखिए कभी भी जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट रहती है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट, जैसे फ्रीक्वेंसी व्यक्ति हो इनडायरेक्टली उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन वो कम रहेगा. ठीक, एंड मेजर्ड एज अ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड. मिलियन इंस्ट्रक्शन ने उसने एग्जीक्यूट करनी चाहिए पर सेकंड, दैट इज स्पीड ऑफ ऑपरेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आर टू बी यूज बाई सेलेक्ट इन द माइक्रोकंट्रोलर इज कोड और डेटा मेमोरी. कोड एंड डेटा मेमोरी. मेमोरी कितनी है, अभी देखिए कोई भी माइक्रोकंट्रोलर लीजिए आप, उसने मेमोरी बोला तो दो पार्ट में आएंगे मेमोरी. एक तो कोड मेमोरी एंड डेटा मेमोरी. कोड मेमोरी को हम बोलते हैं प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी. अब कोड मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी क्या है, तो भाई ऐसी मेमोरी जहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम या कोड लिखा हुआ रहे, कोड स्टोर कर सके, ऐसी मेमोरी को हम प्रोग्राम मेमोरी या कोड मेमोरी बोलते हैं. और जहाँ पे इंफॉर्मेशन डेटा जो मुझे चाहिए काम का है वो मैं जहाँ पे स्टोर करके रखता हूँ उसको डेटा मेमोरी. तो एज अ सिलेक्टर मुझे क्या चाहिए कि मेरे माइक्रोकंट्रोलर में डेटा मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी दोनों के दोनों ही मैक्सिमम चाहिए. तो इनफ मेमोरी स्पेस टू स्टोर द सॉफ्टवेयर एज वेल एज द रन टाइम वेरिएबल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर. ओके, अनदर फैक्टर इज डेवलपमेंट सपोर्ट. नाउ डेवलपमेंट सपोर्ट में क्या क्या आएगा, तो डेवलपमेंट सपोर्ट में आएगा कि डज द मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड अ डेवलपमेंट टूल्स. डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्या मैन्युफैक्चरर्स, ये आएगा. दूसरा, इट प्रोवाइड अ प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप प्रोवाइड कर रहे हैं क्या. थर्ड, ऑल्सो इट डज इट सपोर्ट द थर्ड पार्टी डेवलपमेंट टूल्स. डज इट प्रोवाइड द न्यूली टेक्निकल सपोर्ट. ओके, सो दीस आर द डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट सपोर्ट. अगेन देर इज एन अवेलेबिलिटी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
when the project when projected time to market deliver the product and kab available honga, that is called as availability. And lead time and time between the purchase order and approval and delivery of a product, that is also important. So these are the some important factors which are to be used, which are to be considered while selecting the controller. Again, we can revise that. Which are that factor? First is the feature set. Another is the speed of operation. Another is the code and data memory, development supports, and availability. These are the five important factors. On the basis of that, we can we try to select the microcontroller 8051, 8-bit microcontroller 8051. Okay. So thank you very much.